माँ, हमारा फार्म चल गया। आप हमें यहाँ खबर देने आए हैं? अगर आपको फार्म से कुछ नहीं मिल पाया तो आपको कहीं और से लेकर आनी चाहिए। जाइए और इस बार बिना लिस्ट पूरी किए लौटिएगा। मैं अब नरेन व्यास को मैं बताऊंगा मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, पूछ पैसे लेकर आ ही रहा था कि कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक किया। लोगों के लिए कुछ भी नहीं ला पाए तो क्या ये गले हुए लूट हम सबकी जरूरतें पूरे कर पाएंगे? जवाब दीजिए नरेन। लगता है आपको पिटने की लत लग गई। मेरे कैबिन में घुसकर मुझ पर ही हाथ उठा रही है। दाद देना पड़ेगी आपकी हिम्मत। भाभी जी, हिम्मत की बात तो उस दिन कीजिएगा राहुल बाबू, जिस दिन इस फोटो की जगह नरेन बाबू की तस्वीर लगेगी और इस कुर्सी पर बैठेंगे इसके असली मालिक मेरे हस्बैंड मिस्टर नरेन व्यास। सुप्रिया की बहू के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। चाची आप एक मिनट। नरेन बाबू, मैं व्यास मैंशन में काम करने के लिए तैयार हूँ। पूजा, पूजा तुम क्यों कर रही हो ये सब? पूजा ट्रस्ट में मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। दूसरी जगह भी टिक पाएंगे आप? कलयुग है तो झूठ और कपट का बोलबाला हर जगह रहेगा, लेकिन आपके लिए इन सब चीजों का सामना करना इतना आसान नहीं। किसी को तो घर और घर वालों की जिम्मेदारी लेनी ही है। पूजा, नरेन, मैं तुम लोगों को इस हाल में नहीं देख सकती। मेरे पास एक आइडिया है, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो, जितने चाहिए उतने ले लो, जब मौका पड़ेगा तब लौटा देना। इट्स अ गुड आइडिया ना? शुक्रिया सुरभि, लेकिन उधार चुकाने के लिए भी कमाना तो पड़ेगा ही। पूजा, जो तुम समझ क्यों नहीं रही, सब लोग तुम्हें जानबूझ के परेशान करेंगे, रुलाएंगे तुम्हें। जानती हूँ नरेन बाबू, लेकिन अगर मुझे ये चीजें बदलनी है तो मुझे इन सब चीजों का सामना करना होगा, हालातों से लड़ना पड़ेगा और मैं चुनौतियों के लिए तैयार हूँ। क्या हो गया है तुम्हें पूजा? माना कि हम तुम्हें इस घर में इसलिए लाए थे ताकि तुम मेरे बेटे को संसारी बना सको, पर अब बहुत ज्यादा हो रहा है पूजा। नरेन पर हर बात के लिए इस तरह दबाव डालोगी तो वो टूट जाएगा। उस ऑफिस में अपने पापा के बिना सब उसे नोच खाएंगे। लेकिन कब तक आप उन्हें अपने आंचल में छिपाएंगी? अब वो बच्चे तो रहे नहीं कि उन्हें हर समय अपने माँ बाप की जरूरत हो। माँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि माँ के लिए उसके बच्चे कभी बड़े नहीं होते, और पत्नी चाहे जितना भी लाड कर ले माँ की ममता की बराबरी नहीं कर सकती। मेरे नरेन का अच्छा बुरा मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता, तुम भी नहीं। और लिख के रख लो पूजा, वहां वो लड़का घुट जाएगा, उस जगह वो कभी काम नहीं कर पाएगा, और मैं अपने बेटे को इस तरह कभी पूछने नहीं दूंगी। अगर पत्नी होकर तुम अपने पति का ख्याल रखना चाहती हो तो मुझे भी नहीं रोक सकती। कैसे समझाऊं मैं? मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती, पर इस वक्त मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। नरेन, तू मेरे साथ कमरे में चल, पैसे कमाने के लिए ऑफिस जाने की तुझे कोई जरूरत नहीं। तेरा जो दिल करे तू वही कर। Thank you.
10 बज गए। नरेन अब तक ऑफिस से आए क्यों नहीं? ऑफिस में फोन करके पूछ लूं क्या? आज ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई आपको, थक गए होंगे ना? लाइए, पहले चल के हाथ मुंह धो लीजिए। बहुत सुंदर लग रही है। कुछ अलग किया है ना आज? काजल लगाया? आप भी ना, क्या क्या देखने लगे हैं आजकल। चलिए पहले खाना लगा देती हूँ। आर यू सीरियस? आज राखी है। हर्षा जीजी और राकेश बाबू भी हमारे साथ ही लंच करेंगे। ऐसे में तुम छुट्टी कैसे मांग सकती हो, वो भी अपने जॉब के दूसरे दिन। नो वे। चरण जी मैडम, लंच में क्या क्या बनेगा मैंने तुम्हें लिस्ट दी थी। जी मैडम। देना जी। ये लो, ये सारी चीजें लंच तक बन जानी चाहिए। गॉट इट? और एक बात पूछे, हमें किचन में काम करने वाली नौकरानी चाहिए, बनी ठनी हीरोइन नहीं। सो इफ यू डोंट माइंड, आप यूनिफॉर्म पहनेंगे? Good. मिठाई, स्टार्टर, पूड़ी, दही वड़ा, गट्टे की सब्जी, हलवा, खीर, सैंडविच, ये सब बनाते हुए तो शाम हो जाएगी, पर अब करना तो है। मैं अपनी पहली सैलरी लेकर घर आ रहा हूँ। रास्ते से थोड़े गजरे लेते आना। आपके लिए? पूजा के लिए। और हाँ, घर थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कर, आज तेरा सारा समय पूजा के लिए। ठीक है मैम। कहा था ना विनायक राव कि ये शहर हमारे देवसु का भला करे ना करे, नुकसान जरूर करेगा। आज से मैं बाजीराव तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहा हूँ। आज से ना मैं तुम्हारा बाजी और ना तुम मेरी गुलपक। कल जाओ यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। ये लीजिए आपके मखाने की खीर। तो अब आपके केस पर बात करना शुरू करें? ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी गवाई है धोखे में, उसको वापस लाने के लिए बात कर रहा हूँ। अब मैं लड़ूंगा आपका केस। माता रानी, हमारे पास तो पैसे है भी नहीं इनको देने के लिए। क्यों कर रही है तू अपने साथ ऐसा? हाँ, तू कबीर से प्यार करती है, उसके साथ रहना चाहती है, तो ये बात मान क्यों नहीं लेती है? मुझे समझ में नहीं आता तुझे प्रॉब्लम क्या है बात एक्सेप्ट करने में। मैं क्यों कहूँ, उसे समझ नहीं आता। पहले तो तू अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दे, और ये बात अच्छे से मान ले कि तू कबीर से प्यार करती है और यही सच है। तेरे दिल में जो भी फीलिंग्स हैं कबीर के लिए, उसे जाके बोल दे। अगर कबीर तुझसे सच में प्यार करता है तो वो तेरा साथ जरूर देगा। तू चुप रहेगी तो बात तो आगे बढ़ेगी नहीं ना। अभी अर्जुन से खड़ी होकर क्या बात कर रही थी तू? मैं अर्जुन से बात करूँ या किसी और से, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम हो कौन, क्या लगते हो मेरे, और किस हक से ये सब कर रहे हो? उस हक से जब मैंने सारी रात जाग कर तेरी देखभाल की। क्या मैंने तुमसे कहा रात भर जगो मेरे लिए? तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ।
मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम मेरे बिना रह ही नहीं पाओगी। तुम भले ही मुझसे कैसे भी बातें कर लो, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा मेरे लिए प्यार रहेगा। इसलिए तो तुमने मेरे तकलीफ को महसूस किया और यहाँ आ गई ना। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो।